नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सभापति और उपसभापति को लेकर चल रहे सस्पेंस पर लगा विराम, कांग्रेस ने कार्यवाहक सभापति और उपसभापति का किया मनोयन। इटराना औद्योगिक क्षेत्र में बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं उद्योग, फिर हो सकती है भीषण अग्नि दुर्घटना। शिविर को विधायिका खान ने बनाया राजनीति मंच, शिविर में मौजूद रहे अधिकारी कर्मचारी। ओमेक्स सिटी सोसाइटी में बदमाशों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर की मारपीट, पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट सोसाइटी के लोग ने एसपी से की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में रामगढ़ विधायिका साफिया खान और प्रधान मौजूद रहे। महिला सरपंच ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। सरकार की ओर से चलाए गए इस कैंप में विधायिका ने इस मंच को चुनावी भाषण के रूप में प्रयोग किया। विधायिका ने राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने पर मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी के चुनाव के हारने के बाद अप्रैल में पोर्टल खोले जाएंगे। खाद को लेकर किसानों की लंबी लाइन लगने को लेकर भी मोदी को ही जिम्मेदार बताया। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार को कोसा। सरकारी कैंपों में सीधे राजनीतिपूर्ण भाषणों को उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी सुनने को बेबस नजर आए। मौके पर महिला बाल विकास की ओर से विधायिका से केक कटवाकर बालिका दिवस मनाया गया। रामगढ़ में इमित्र संचालक द्वारा ली जा रही निर्धारित दर से दोगुनी राशि के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन दिया। मिलकपुर ग्राम पंचायत भवन पर संचालित इमित्र संचालक द्वारा निर्धारित दर से दोगुना राशि वसूली जा रही है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित शिकायत ग्रामीणों द्वारा पंचायत समिति में दी गई तो उन्होंने एसडीएम को देने के बारे में कहा। इस पर ग्रामीणों द्वारा एसडीएम कैलाश शर्मा को शिकायत पत्र सौंप निर्धारित दर पर कार्य कराने की मांग की गई है। एसडीएम कैलाश शर्मा द्वारा शिकायत पत्र के आधार पर जांच कराने का भरोसा दिलाया। जो मतलब ज्ञापन दिया है कि जो मित्र वाला है वो मतलब पैसे ज्यादा ले रहा है और मतलब काम करता है, लेकिन 10 के 20 लेता है, 20 के 50 लेता है। जैसे सत्यापन हो रहा है उसकी जैसे 50 रुपए में हो रहा है तो वो 100 रुपए वसूली कर रहा है। तो आपसे भी लिए पैसे या आपसे मांगे? लिए उसने, मैंने जवाबंदी निकलवाई है तो उसका टोकन करता है 30 रुपए का। अच्छा। तो उसने मेरे से लिया है 50 रुपए। किस नाम से है मित्र? ये मित्र है वकील अहमद के नाम से। तो आपके पास कोई सबूत भी है? सबूत मेरे पास है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आने वाली 18 दिसंबर को एक बार फिर से मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर कोटकासिम कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने विद्यालय स्टाफ के सानिध्य में जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें छात्रों ने हाथ में कोरोना वैक्सीन से लेकर नारा लेखन वाली तख्तियां पकड़ी हुई थी। छात्रों की अपील का असर कोरोना वैक्सीनेशन के 18 दिसंबर को आयोजित होने वाले कैंप में देखने को मिलेगा। इस रैली के माध्यम से छात्रों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश की है। कलाकार एकता की डोर में बन चुके हैं और अभी सब मिलकर एक नए मिशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। उसको लेकर कंपनी बाग में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर के विभिन्न क्षेत्रों से आए पेंटरों के साथ ही दौसा और भरतपुर जिलों से भी आर्टिस्टों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर संगठन को आगे ले जाने और आ रही समस्याओं के निदान को लेकर भी विचार विमर्श किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों सहित नए सदस्यों का स्वागत सत्कार भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान संघ के संरक्षक ललित, अध्यक्ष मदनलाल रॉकी आर्ट, उपाध्यक्ष गुलाब सागर, सचिव अशोक कुमार जालूकी, कोषाध्यक्ष गोविंद सिंह, महामंत्री फूल सिंह भगवती आर्ट, मंत्री चित्रपाल, संगठन मंत्री नन्नूराम, अलवर से कामा से ब्लॉक अध्यक्ष गुलशन, उपाध्यक्ष गगन, नगर से ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद, उपाध्यक्ष राजेश, आकाश, तारा, अंतेश, जोगिंदर जालूकी, गोविंदगढ़ से ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर आदि लोग मौजूद रहे। रामगढ़ के गोविंदगढ़ मोड़ पर स्थित शराब के ठेके पर हरियाणा मार्ग का शराब उतारने को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी मीडिया के सवालों के कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए। गुरुवार शाम लगभग 7:30 बजे कथित रूप से बिक्री के लिए हरियाणा की शराब जीप में ठेके पर उतारते हुए दूसरे ठेकेदार को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हरियाणा शराब उतारने की सूचना स्थानीय थाना पुलिस एवं आबकारी विभाग को दी गई। इस मौके पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को मौके से हटाया और ठेके के अंदर आबकारी विभाग का अधिकार क्षेत्र बता विभाग के अधिकारियों का आने का इंतजार किया। औपचारिकता में हुई छानबीन, संबंधित विभाग द्वारा हरियाणा मार्ग की शराब को ठीक तरीके से देखने के बजाय ठेके के कर्मी द्वारा दिखाई जा रही पेटी ही देखी गई, जबकि सैकड़ों की संख्या में शराब की पेटियां थी। आबकारी विभाग कर्मियों द्वारा 15 पेटी देसी या 5 पेटी बियर को गाड़ी में रख लिया। अधिकारी शुरू से ही मीडिया कर्मियों से बातचीत में ठेकेदार का बचाव करते दिखे। अधिक जानकारी ना देते हुए आबकारी अधिकारी सीआई नारायण सिंह तोमर ने केवल यह कहा कि हरियाणा मार्ग का शराब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नाम तो मुझे कंफर्म याद नहीं है यहाँ से कि यहाँ और रामगढ़ में कुछ अवैध रूप से कोई दुकान पर झगड़ा हो रहा है और कुछ कार्रवाई हुई है, जिसके ऊपर मेरे द्वारा फोन पर दोनों ठेकेदारों से बात की गई, जिसमें ठेकेदारों द्वारा सामने आया कि एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार से शराब का आदान प्रदान किया, जिसमें जो भी अनियमितता पाई जाएंगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर एक क्वेश्चन है हमारा कि आपने जो गोविंदगढ़ मोड़ थाना ये ठेके पर जो जांच की है, इसमें आपने क्या माल बरामद किया है और इस स्टेट का है या हरियाणा स्टेट का बरामद किया है? ऐसा है इसमें अब सीधा है कि इसमें जो दूसरी दुकान है जो उसके नाम से है उसके वो नहीं नहीं वो उसका जो उसके दुकान का जगह का नाम नहीं वो जगह का नाम वो ऊंटवाल के नाम से जो दुकान है जो वहाँ फाटक पर लगी हुई है, जो संचालक हैं जसविंदर उसके कब्जे से चाबी मिली है, वो सरदार जी लाया जिसके हमारे पास में फुटेज भी नहीं है। हमारा क्वेश्चन मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना, आपने जो क्या कब्जा किया ये कहना चाह रहा हूँ ना, क्या कब्जा किया, जो माल उन्होंने दिया है इसको हमने कब्जे राज लिया है, इसकी अभी हम चेक कर लेते हैं, इसको FSL भेज देते हैं सैंपल के लिए और जो जांच में आएगा सामने वो। कितनी पेटियां हैं सर वो? इसमें हरियाणा की दारू निकली है या राजस्थान की है? नहीं हरियाणा का इसमें कुछ नहीं है, ऊपर से आपने मीडिया ऊपर से नहीं अंदर से देखा क्या? पहले से दूर रखा गया है, मैंने मीडिया को बिल्कुल पास में रखा है। नहीं मीडिया को आपने दूर रखा है? मैं गलत बोला? आप मीडिया नहीं नहीं सैंपल नहीं देख पाई? मैंने ये नहीं बोला सैंपल, आप बताइए कहाँ बोला मैंने? नहीं मैं हम ये नहीं बोला, आप ऐसे मत बोलिए। नहीं आप माल दिखाइए ना साहब, कौन सा माल है वो? कौन सा माल है? हाँ क्या मतलब माल जो बरामद किया आपने? माल बरामद किया है कौन सा माल है वो ये तो बताएंगे ना? अब वो तो जांच का विषय है ना। नहीं जांच का विषय नहीं, आप ये बताइए वो हरियाणा का माल है कि राजस्थान का माल? ये जांच का विषय नहीं, जांच क्या चेक कर रहे हैं उसको अभी? अभी उसके बाद आप नहीं आपने अंदर कर दिया उसको, हमारी कार्रवाई करने दो फिर उसके बाद पूछ लेना आप डिटेल में। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी रोड स्थित श्री प्यारेलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से आयोजित 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकेश राम मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक लेखा अधिकारी गिरिराज प्रसाद बैरवा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संदर्भ व्यक्ति सोनू कुमार मीणा तथा ब्लॉक MIS राजकुमार गुप्ता थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुकेश राम मीणा ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षिकाओं को इस तरह के प्रशिक्षण से मनोबल में वृद्धि होती है। विद्यालय में गरिमा बेटी की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण को मन से सीख कर विद्यालय स्तर पर बालिकाओं को लाभ मिल सके। इस अवसर पर ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति सोनू कुमार मीणा ने 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण की कार्य योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर कुसुम राजावत ने योगासन प्राणायाम शरीर के नाजुक अंगों के बारे में बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा संबंधी तथा गुड टच व बैड टच की जानकारी दी। कार्यक्रम में KRP किरण पंचोली मनीषा मीणा शकुंतला मीणा सहित अन्य संभागियों ने भाग लिया। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुड़कारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार चालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई, हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुँचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। Thank you.
तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छात्राओं को आने वाले संकट के समय में शारीरिक एवं मानसिक तौर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिपेंड के तहत रामगढ़ के कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में रामगढ़ पंचायत समिति के तहत आने वाले समस्त विद्यालयों के पीटीआई एवं अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 6 दिवसीय गैर आवासीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर प्रभारी डॉक्टर दीपिका अरोड़ा ने बताया कि शिविर के माध्यम से अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि अध्यापिका प्रशिक्षित होकर अपने अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को शारीरिक एवं मानसिक तौर से प्रशिक्षित कर सके। शिविर में ट्रेनिंग देने के लिए 4 ट्रेनर दीपिका अरोड़ा, तन्वी उप्पल, आशा रानी, लक्ष्मी सैनी लगाए हुए हैं। शिविर के दौरान कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष वर्मा भी मौजूद रहे। ये शिक्षा विभाग द्वारा रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है, 6 दिवसीय गैर आवासीय। इसमें मास्टर ट्रेनर आए हैं, 4 मास्टर ट्रेनर हैं, उनमें से एक मैं हूँ। इसमें हम शिक्षा विभाग में जो अध्यापिकाएं हैं या शारीरिक शिक्षक हैं, उन्हें हम मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। वो जो यहाँ से सीख के जाएंगी फिजिकल एक्टिविटीज़, वो जाके विद्यालय में बच्चियाँ, जो ग्रामीण स्तर पे जो बच्चियाँ हैं, वो कैसे अपनी रक्षा करें, उसके लिए हम उनको यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। फिजिकली मेंटली उनको ये सिखाया जा रहा है कि आप कैसे बच्चियों को ये इस स्तर पे तैयार करें कि वो आने वाली जो विकट परिस्थितियाँ या आने वाली कोई भी ऐसी स्थिति है, उसमें अपने आप को तैयार कर सकें। किसानों को सिंचाई के दौरान रात में दी जा रही विद्युत सप्लाई की जगह दिन में दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की रामगढ़ शाखा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की शाखा रामगढ़ के सदस्य रुद्र सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने किसानों को रात्रि के बजाय दिन में विद्युत सप्लाई देने का वायदा किया था, उसके बावजूद भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में रात्रि में विद्युत सप्लाई दी जा रही है। जबकि इन दिनों विशेष सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है, ऐसे में किसानों को सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। सरकार से मांग है कि किसानों को रात्रि के बजाय दिन में विद्युत सप्लाई दी जाए। इस बारे में आज हमारी यूनियन ने रामगढ़ एसडीएम कैलाश शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दौरान रुद्र सिंह नलूका, वीरेंद्र सिंह, समीर तौफीक खान, अन्य किसान मौजूद रहे। और आज हम ज्ञापन देने आए हैं, इसका किसानों को जो रात में बिजली दी जा रही है, वो सर्दी असहनीय पड़ रही है और बिजली दिन में मिलनी चाहिए, ये हमारी मेन समस्या है आज की। चडोनी की तरफ से मतलब ज्ञापन दिया गया है, किसान संगठन चडोनी जी की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है। दीपावली का बड़ा त्यौहार निकलने के ठीक 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी से शुरू हुए विवाह शादियों का सिलसिला लगातार लगभग पूरे 1 माह तक चला। इस दौरान बाजार में काफी चहल पहल दिखाई दी। इस दौरान काफी दिनों से रोजगार की आस लगाए बैठे टेंट, डीजे, घोड़ी बग्गी, फोटोग्राफर, हलवाई, केटर्स, बर्तन वाले, फूल डेकोरेटर, कार सजावट के साथ साथ चाट टिक्की, छोले भटूरे से लेकर मैरिज गार्डन, वेकेंट्स और विला चलाने वाले व्यवसायियों का अच्छा कार्य चला, जिसमें ये लोग खुश नजर आए। कोरोना के चलते काफी दिनों बाद इन लोगों को खुलकर काम मिला और इनके साजो सामान की धूल साफ हुई। लेकिन अब 13 दिसंबर के बाद मलमास लग गया है। मलमास के प्रारंभ होते ही अब 1 महीने के लिए विवाह शादियों पर बैन लग गया, जिससे अगले नववर्ष में ही मांगलिक कार्य शुरू हो पाएंगे। इस 1 माह के दौरान बैंड, घोड़ी, बग्गी, टेंट, फोटो, डीजे सहित फूल डेकोरेटर व हलवाइयों का कार्य सुस्त रहेगा। हालांकि इन दिनों में जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक के शादी कार्यक्रमों की बुकिंग का कार्य जरूर चलेगा और साथ ही इन लोगों द्वारा आने वाले सावों की तैयारियां भी जोरों पर की जाएंगी। एक और जहां प्रशासन की तरफ से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरमपुर में कार्यरत अध्यापक चेतराम मीणा जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने कई वर्षों की तपस्या और मेहनत के साथ कई तरह की औषधियों और मानव जीवन को अमूल्य बनाने के लिए एवं पर्यावरण को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से निरंतर विद्यालय परिसर में लगभग 100 से अधिक पेड़ पौधे लगाए हैं। पर्यावरण के प्रति इनका प्यार यहीं नहीं रुका, चेतराम मीणा ने अपने घर के आसपास भी काफी पौधे लगाए हैं। इस मौके पर जब अलवर न्यूज की टीम ने प्रधानाध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि चेतराम मीणा जैसे लोग विभिन्न मौकों पर पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं एवं समय समय पर वृक्ष लगाते हैं। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमार एवं समस्त स्टाफ में भी खुशी देखने को मिली। सर कितने साल से हैं आप इधर? 2017। अच्छा सर, ये
अब तक कितने प्रजातियों के पेड़ लगा दिए सर आपने? लगभग 50। अब ये सर किसका पेड़ लगा रहे हैं आप? ये तो निराई कर रहे हैं सर, ये गोभी का है। गोभी का है ये? क्या सर किचन गार्डन है? हाँ, किचन गार्डन। इसमें किस कौन 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 से पौधे हैं सर, ये सब्जियों के? उधर बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है। अच्छा। और हरा धनिया है, पुदीना है, ये पौधे हैं सर। अच्छा। पालक भी है। अच्छा अच्छा, काफी मेहनत कर रहे हैं सर आप। मेहनत तो कर ही रहे सर, इस मेहनत की जरूरत भी है। तो सर इसका मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेड़ों के बारे में? बच्चे क्या सर, सभी को फायदा है इससे, बच्चों को तो है ही है, बच्चों को इससे बताते भी है कि पेड़ों के बारे में। अच्छा। उनसे पढ़ाते भी है। अच्छा, तो सर इसमें मतलब आपका ये स्वयं का खुद की मेहनत है या फिर किसी और का भी सहयोग है? मेरी तो मेहनत है ही है सर, उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथी लोगों की भी है सर। अच्छा अच्छा सर। आप पार्टी के शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल ने नगर विकास न्यास में जाकर प्रशासन शहरों के संग अभियान की जानकारी ली, जिसमें आम आदमी को राहत देने के दौरान लोगों को पट्टे जारी करने में छूट में न्यास कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई और मौके पर कर्मचारी अनुपस्थित मिले। न्यास कर्मचारियों का व्यवहार जनसाधारण को परेशान करने वाला रहा। बुधविहार आवासीय योजना में आवंटित आवंटी गोपीराम ने बताया कि नगर विकास के कर्मचारी बकाया किस्तों को एक मुश्त जमा कराने पर कोई छूट नहीं दे रहे। कैंप में फॉर्म को भरे हुए महीना हो गए लेकिन आज भी इधर से उधर घुमाया जा रहा है। मोहन मुरारी शर्मा ने बताया कि कमरा नंबर 108 में ना तो कर्मचारी सही व्यवहार कर रहे हैं और ना ही कोई प्राप्ति रसीद दी जा रही है। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह, कमलेश, अश्विनी कुंदन, चंद्रशेखर आदि मौजूद रहे। ये अलवर जो है UIT में प्रशासन जो है, जो शहरों के संग गाँव के संग चल रहा है कार्यक्रम, इसमें जो है जो आदमी पीड़ित है वो फाइल बकायदा लेके दे रहे हैं, ना कोई रिसिप्ट दे रहा है, ना कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब दे रहा है। और अगर किसी भी अधिकारी से मिलने की कोशिश करो तो वो सीट पे नहीं मिल रहे हैं। कोई अगर इधर उधर कमरे में बैठे हुए हैं और अगर बात करो उनसे तो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग बाग परेशान हो रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पदाधिकारी UIT का सर्वे करने गए, वहाँ पे पब्लिक की, आम पब्लिक की बहुत तगड़ी शिकायत मिली। वहाँ पे लोग बाग नाजायज परेशान हो रहे हैं, एक एक महीने चक्कर हो गए, उनका कोई सर्टिफाई जवाब नहीं मिल रहा है। ये जो सरकार की तरफ से खाना पूर्ति हो रही है कि साहब अभियान चला रखा है जो पब्लिक को फायदा हो, इसमें पब्लिक को 0% भी फायदा नहीं हुआ है। इसकी सरकार मतलब पहल करे और पब्लिक को फायदा पहुंचे, ये हम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओमेक सिटी सोसाइटी निवासी राजेश देवी, सन्नी यादव, राजविंदर कौर, नीलम शर्मा व नीलम सैनी ने मोहित यादव, युद्धवीर यादव व जसवंत निवासी हुसिंगपुर के खिलाफ मारपीट व बदतमीजी करने का मामला दर्ज करवाया। खुशखेड़ा थानाधिकारी ने बताया ओमेक्स पैनोरमा सिटी में आपसी झगड़े की सूचना पर पुलिस को भेजा गया। गुरुवार शाम को कुछ बदमाशों ने ओमेक्स सोसाइटी में उपद्रव किया और कुछ लोगों पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। लोगों ने भागकर जान बचाई। शुक्रवार सुबह ये लोग फिर दोबारा सोसाइटी में आ गए, जहां गेट के समीप महिलाएं जो बच्चों को स्कूल छोड़ने आई थी के साथ पत्थरों व टाइल्स के टुकड़ों से मारपीट कर दी। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान ने बताया कि सोसाइटी की 5 महिलाओं राजेश देवी, नीलम शर्मा, नीलम सैनी, राजविंदर कौर व सन्नी देवी को गंभीर चोटें आई हैं। बदमाशों ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए। मामले की सूचना खुशखेड़ा थाने में देकर घायलों को टपुकड़ा CHC इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। खुशखेड़ा पुलिस की कार्यवाही से नाखुश होकर सोसाइटी निवासी भिवाड़ी SP के कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे। सर मेरा नाम राजेश देवी है, ओमेक सिटी में रहते हैं हम। और सर हम बच्चों को छोड़ने आए थे बस में, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो बस में बैठा के आते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं यहाँ लोग, हमारे बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। और सर ऐसे आते ही वो बदतमीजी से बात कर रहे थे और वो रोड ले रहे थे हाथ में, जैसे बड़ा बड़ सबको मारी, लेडीज ऐसे थोड़ी सी देखो कोई गाड़ी देगा तो उसको बोलने तो गए ही। और सर वो बड़ा बड मारने लगा दोनों हाथों से, उल्टा और सुलटा सबको मारा और गिरती रही लेडीज, गिरती रही और गैल भागता रहा, लेडीज भागती रही, उनके पीछे भाग रहा है खूब तेज से, दम्मा दम मार रहा है सर। उसको कुछ भी नहीं, वो बार बार ये बोलता मैं अमेले का आदमी हूँ, मैं जान से मार दूंगा आपको तो भी मेरी जेल नहीं होने वाली है। कौन थे वो, कोई नाम पता? सर वो मोहित, सिंहपुर से मोहित, और युद्धवीर है सर, और एक लड़का और है उनके साथ, ये तीन बंदे थे।
दो तो पार्क के पास खड़े थे और लेकिन मारपीट करी है मोहित ने, मोहित यादव ने, और रात में जो घटना हुई हमारे ऊपर, रात ने वो कर रहे थे हम, तो तब हमारे पर तीन बार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी लेकिन हम ग्रीन बेल्ट में पड़ गए, पार्क की जो हेज है ना बड़ी बड़ी उसके ऊपर गिर गए थे सर। हम रात में भी आए थे यहाँ कंप्लेंट देने, तो थाने में हमारी कंप्लेंट भी नहीं ली गई थी, ये कह रहे कि कंप्लेन नहीं लूंगा मैं, ये पहले तो सारे इकट्ठे होके आते हैं जब, तो ये बोलते हैं कि सारी पब्लिक इकट्ठी होके आ जाती है कोरोना टाइम में, और तब हम दो चार आते हैं तब ये कहते हैं कि सारा कोई साथ लेके आओ यहाँ पर। सर हमारी कोई सुनाई नहीं, हमने 14 FIR कटवा चुके हैं यहाँ पर लेकिन कोई सुनाई नहीं है हमारी। अब मामला दर्ज हो गया सर, आप मामला दर्ज करें या ना करें, देखो अभी डॉक्टर ने डॉक्टरी में नहीं करा है, हाथ फ्रैक्चर हो रहा है किसी के, सिर में 60 टाके आए, किसी के थोड़ी पा आए हैं 3-4 टाके, और पैर सब के कंडम है। और अब ओमेक्स पनोरमा सिटी में मेंटेनेंस का जो काम कर रहे हैं उनके और रेजिडेंट्स के बीच काम करने को लेकर सुबह कोई विवाद हुआ था, उस संबंध में सूचना पर तुरंत पुलिस भिजवा दी थी, इसमें आपस में धक्का मुक्की झगड़े में जो चोट आई उनको मेडिकल कराया जाकर अभियोग पंजीबद्ध कर लिया, उसका अनुसंधान जारी है। राजकीय बाबू शोभा राम कला कॉलेज में कॉलेज के एक छात्र के साथ बाहर से आए युवकों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में कॉलेज के छात्रों ने हंगामा कर दिया और कॉलेज का गेट बंद कर मारपीट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी और कॉलेज में पुलिस चौकी की मांग की। साथ ही मारपीट में घायल हुए छात्र के इलाज के लिए मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे छात्रों के साथ समझाइश की, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र नहीं माने और करीब 2 घंटे तक कॉलेज का गेट बंद रख प्रदर्शन किया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन व पुलिस द्वारा समझाने पर छात्रों ने गेट खोला। कॉलेज छात्र साजिद खान सचिन गुजर ने बताया कि कॉलेज परिसर में करीब आधा दर्जन युवक धारदार हथियार डंडे लेकर आए और कॉलेज के छात्र तालिब खान के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आज 9:30 बजे के समथिंग एक घटना हुई है, हमारा साथी था तालिब खान जिसको कि यहाँ पर आकर बाहर के लड़कों ने पीटा है, जिन्होंने धारदार हथियार से उस पर वार किया है और फायरिंग वगैरह भी किए, फिर भी कॉलेज प्रशासन उन पर ऐसा दबाव नहीं बना रहा। थानेदार साहब यहाँ बैठे हैं, कौन लोग हैं ये जी, इतने हमको मालूम नहीं, बाहर से आए हैं, कॉलेज प्रशासन को काफी बार बोल चुका है हमें यहाँ चौकी चाहिए पर हमारी सुनते नहीं। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि हमने कितनी बार मांग की है, कम से कम 10 बार के तो मैं दे सकता हूँ आपको, बार बार मांग करते फिर कुछ शिकायत आई है लड़कियों की कि हमें कुछ टीचर यहाँ पे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बोलते हैं आप लड़कों को भाई वगैरह ना बोला करें, एक दो टीचर है कि जो लड़कियों को मैसेज करते हैं, बोलते हैं आप हमसे बात कर लिया करो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आगे एग्जाम वगैरह होंगे तो बात भी हम देख लेंगे, फिर भी टीचर हमको दबा रहे हैं, ये बोल रहे हैं टीचर का नाम तो ऐसे सर वो हॉस्पिटल में, सर हॉस्पिटल में उसका फिलहाल हमें सूचना लगी कि उसका एक पेट टूट गया है, धारदार हथियार से काफी उसके निशान है और हॉस्पिटल वाले पैसा मांग रहे हैं, हम कॉलेज प्रशासन से कह रहे हैं कि उसका पूरा खर्चा ये उठाएंगे, वो गरीब घर का लड़का है, हम सभी गरीब है, सिर्फ हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और कॉलेज प्रशासन हमारे सर कोई ऐसी घटना नहीं, वो सिर्फ शांति से अपने आज ट्रायल थी रनिंग की तो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, वह भी अपने आया हुआ था, बस वो आए और उसको पीट के चले गए और कॉलेज प्रशासन ने फिर भी टीचर इतने 125 टीचरों के समथिंग है कोई उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, अभी तक कोई मिलने नहीं गया, धर्मशाला बना रखी है इन्होंने, स्पोर्ट वाले स्टूडेंट उसको करके आए, आप बूझो टीचरों से कि अब भी कोई गया आपका स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी 6 जने बता रहे हैं 6 के खिलाफ मुकदमा हो, जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए, जितने भी उसके पैसा लगेगा सारा कॉलेज प्रशासन उठाएगा, हमें यहाँ पे चौकी चाहिए जल्दी से जल्दी, और जो असामाजिक तत्व टीचर है यहाँ इनको मेटो जल्दी से जल्दी, यहाँ नहीं मेटते हैं तो हम कॉलेज का गेट बंद करेंगे, चाहे हमें यहाँ पे धरना देना पड़े, चाहे एक दिन की जगह 2 दिन बैठना पड़े, हम नहीं हटेंगे। मेरे सामने 6 लड़के आए और उसके ऊपर हथियार धारदार हथियार से चार्ज किया गया, डंडे भी थे गन भी थी उनके पास, फायरिंग भी की, यहाँ पे उसका पैर टूट गया है और वो बंदा फोन कर रहा है हॉस्पिटल में से, बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, उसको पैसे कौन देगा, ये प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उस पैर टूट गया, पैर के बदले पैर दे सकता है क्या प्रशासन? हाँ मैं मौके पे था, कुछ नहीं, ओनली बच्चा पढ़ने आया था यहाँ पे बस, और निहत्ता खड़ा था अकेले, क्या अकेले के ऊपर आके 6 जनों ने गुंडागर्दी की है, यहाँ बाहर के आते हैं यहाँ पे राजनीति करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, दबाव बनाते हैं, तो कॉलेज प्रशासन का रहने वाला है वो नूह का है सर, बड़ौदा मेयो का है वो, उसका नाम है तालिम खान जी, बिल्कुल भारतीय है, मैं उसको बेहोश को यहाँ से उठा के लेके गया हूँ, और वह ऊपर दो गार्ड हैं, गार्ड नीचे आके ये नहीं देखा कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
मॉडर्न सिंटेक्स संघर्ष संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मॉडर्न सिंटेक्स के रहे श्रमिकों की बैठक फैक्ट्री गेट पर हुई। मोर्चा के संयोजक नाथू सिंह ने बताया कि मीटिंग में कहा गया कि वर्ष 1996 में फैक्ट्री मालिक ने दूसरे को कंपनी बेच दी, लेकिन फैक्ट्री में 20 वर्ष से काम करने वाले मजदूरों को प्रशासन की अनदेखी के चलते फैक्ट्री प्रबंधन ने बकाया ग्रेजुएटी बोनस वेतन व अन्य लाभ पर लाभ आज तक नहीं दिए, जिससे श्रमिकों में जहां रोष है वहीं श्रमिकों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किस लिए आपने ज्ञापन दिया है? सर, ज्ञापन इसलिए दिया है, मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया लिमिटेड जो टेक्सटाइल मिल थी ये 1996 में बंद हुई थी और ये कंपनी हरि सिंह राका की थी और हरि सिंह राका ने कंपनी को बंद करने के बाद 20 साल मजदूरों का काम करने के बाद किसी को एक पैसा हिसाब नहीं दिया, न ग्रेच्युटी दी, न बोनस दिया, न तनख्वाह दी और उस कंपनी को बंद करके 2009 में उसने किसी दूसरे मालिक को बेच दी गई और उसके बाद में हमारी डबल बेंच में स्टे तुड़वा दी गई पैसे के बल पे और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा था और डीएलसी को भी हमने केस किया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारा अभी जो मालिक है अभिषेक जैन और प्रयाग जैन, इन्होंने क्या किया, सारा लोहा मशीनें उठा के लेके और उसके बाद पुलिस की गाड़ी लगा दी वहां पर और हमारे मजदूरों को घुसने नहीं दिया और सारा माल उठाने के बाद जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं और तारबंदी कर दिया, हमारा स्टेट तोड़ दिया गया पैसे के बल पे। अब मजदूरों की ये है, अब जब तक 1600 मजदूरों का हिसाब नहीं होगा जब तक इसमें एक भी ईंट नहीं लगनी चाहिए और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 1600 मजदूरों के पेट का सवाल है, मजदूर दर दर भटक रहा है, मजदूरों को छान में से आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और इन नेताओं से निवेदन है, अब ये नेता हमारी तरफ जो स्थानीय नेता है जैसे अलवर शहर से हमारे टीकाराम जूली जी जो हमारे श्रम मंत्री रहे हैं और इधर संजय शर्मा जी, इन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि 1600 मजदूर दर दर भटक रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी हम मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं, पुलिस प्रशासन भी उनके सपोर्ट कर रहा है लेकिन मजदूरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारा यही निवेदन है, या तो हमारा हिसाब दिलवा जाए, अगर हमारा हिसाब नहीं दिया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं ये निवेदन करता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी ये निवेदन करता हूँ, अगर या तो इन मजदूरों का हिसाब किया जाए, अन्यथा अगर हिसाब नहीं किया गया तो कोई भी घटना यहाँ पे अप्रिय घटना घट सकती है उसका जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का कंपनी लॉकआउट थी। उस समय भैरव सिंह उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने 15 दिन की लॉकआउट परमिशन दी थी जो आज तक उस कंपनी नहीं खुली। 20 साल में हमारे मजदूर बूढ़े हो गए हैं, इनकी 60 साल से उम्र सबकी ऊपर हो गई है और इनको आज तक भटक रहे हैं लेकिन किसी ने एक हिसाब नहीं, एक पैसे का हिसाब नहीं दिया और हमारी मीटिंगें बराबर चलती आ रही हैं लेकिन पुलिस प्रशासन दबाव देकर के सारी फैक्ट्री को उठा ले गया, सिर्फ जमीन बची है। अब यह जमीन जब तक कोई भी आदमी यहाँ आएगा तो हमारे को पहले हिसाब चाहिए, अंतर निवेदन है कोई भी इस जमीन के ऊपर नहीं आएगा, प्रशासन इसकी जिम्मेदार है, कोई भी अप्रिय घटना कभी भी कुछ भी हो सकता है। अलवर नगर परिषद में वार्ड 5 के पार्षद मुकेश सारवान को सभापति बनाया गया है जबकि पार्षद देवेंद्र कौर को उपसभापति बनाया गया है, दोनों ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर परिषद में चुनौतियां ज्यादा है लेकिन सभी चुनौतियों का मुकाबला किया जाएगा, पार्षदों की समस्या व शहर के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, लंबे समय से नगर परिषद में रुके हुए काम भी जल्द पूरे करने के प्रयास किए जाएंगे। परिषद सभापति बीना गुप्ता, उपसभापति घनश्याम गुर्जर के निलंबन के बाद सरकार ने सभापति व उपसभापति के नाम की घोषणा की। पार्षद मुकेश सारवान को सभापति व देवेंद्र कौर को उपसभापति बनाया गया है। मुकेश सारवान वाल्मीकि समाज से आते हैं, दोनों ने शुक्रवार पदभार ग्रहण करने के साथ ही शहर में बेहतर विकास करने के दावे किए हैं। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा की मौजूदगी में दोनों ने पदभार ग्रहण किया। वहां मौजूद पार्षदों ने सभापति व उपसभापति को माला पहनाई व मिठाई खिलाकर बधाई दी। सनद रहे नगर परिषद में अधिकारियों व सभापति पर भ्रष्टाचार के हमेशा से आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कैसे काम करेंगे सभापति और उपसभापति, दोनों नए चेहरे हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं? सर, चुनौतियां ज्यादा हैं मगर काम करने का अगर दिल में जज्बा हो तो चुनौतियां कहीं मायने नहीं रखनी है, क्योंकि मायने तब रखते हैं कि जब हम वर्क को ना समझे। वर्क इज वर्शिप इन माई ओपिनियन। तो मैं सोचती हूँ कि अगर पूजा का समझ के किया जाएगा तो हम भगवान से जैसे कोई भी गलत काम की उम्मीद नहीं रखते, उसी तरह अपने काम से भी कभी कोई गलत ना काम करेंगे ना करने देंगे। और जैसे कि नरेंद्र भाई साहब जी हैं जो हमारे बहुत ही कॉपरेट करने वाले हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी के आप सब नेता को जानते हैं, मेरे से सब बड़े हैं, जस्ट भाई साहब ये हैं, नरेंद्र भाई साहब हैं, जितेंद्र भवर सिंह जी हैं, उनके राय लेकर जो भी सभापति और मेरा निर्णय होगा वो जनता के हक के लिए होगा।
और जो भी यहाँ पर एक सुनवाई होती थी कि यहाँ पर करप्शन है, हम चाहेंगे कि इस करप्शन को दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को साथ दिया जाए जो सचमुच इसका महत्व रखते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने प्रयत्नों से किसी का भी दिल ना दुखाए और काम की तरफ आगे। आप खुद धरने पर बैठे थे, कभी मजबूर हुए थे? यस सर। के खिलाफ लोग धरने पर नहीं बैठे हैं, क्या कार्यशैली रही? सर ये मैं धरने का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि लोग काम की पूजा करते हैं, कुर्सी की पूजा करते हैं, लोग नाम की पूजा नहीं करते हैं। ये कुर्सी का जो वर्क है हमारा, अगर हम लोगों पे खड़े उतरना चाहते हैं तो हमें उनके लिए झुकना ही पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा गिरता है तो माँ को पता है वो गिर गिर के चलना सीखता है, तो हमने भी यहाँ पर 2 सालों में बहुत कुछ देखा है। तो मैं वो मौका नहीं दूंगी कि किसी को मेरे प्रति या सभापति के प्रति यहाँ पर धरना देने की जरूरत पड़े। तो मैं काम ही समझती हूँ। पहले जो सभापति थी वो वाकई में भ्रष्ट थी? देखिए सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये लोग मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि भ्रष्ट थी कि नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा काम नहीं हुआ। सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि किसी के बारे में गलत बोलने की अपेक्षा कल को हमारे पर भी गलत पॉइंट है। तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो गलत या ठीक थी, उसके बारे में जो निर्णय आप लोगों का है या हाईकमान का है उसी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहिए क्या गलत है। कोई भी अच्छे से नहीं जानता कि कौन से बड़े काम है जो करने की जरूरत है। सर काम तो बहुत है बड़े से, जैसे अभी तो पट्टों का ही काम मेन है उन लोगों के लिए। आप कई जगह गरीब बस्ती में कई वर्क है, बोगीज वगैरह है, कई क्या कहते हैं पानी की प्रॉब्लम है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो जरूरी काम है उनको पहले किया जाए और बाकी जो भी है जैसा भी है हम यहाँ पर डेली आके लोगों की सुनवाई भी करेंगे और उनको ये मौका नहीं देंगे कि सभापति नहीं सुन रहा या उपसभापति नहीं सुन रही। हम दोनों मिलकर एक कमान करेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि आप लोगों को भी लगे कि सचमुच कि कुछ यहाँ पर वर्क अब वो हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। आपको कब पता लगा कि आप सभापति? मुझे सुबह ही पता लगा कि मैं उपसभापति बनूंगी। कल तक आपको भी नहीं पता? कल तक कुछ नहीं थी, अखबारों में नाम बहुत आ रहा था मगर मुझे नाम का भी नहीं पता था कि कैसे नाम आ रहा था। आज मेरा कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं सभापति बन जाऊंगा। कब तक नहीं मालूम था? रात तक मालूम नहीं था सर, मुझे नहीं पता था सर। कब पता लगा? सुबह पता लगा, मेरे को नरेंद्र मीणा जी ने फोन किया था सबसे पहले। तब आप क्या कर रहे थे घर में? जब मैं घर सो के उठा था। अब क्या चुनौतियां समझते हैं नगर परिषद में? उठा पटक लगातार जारी है, आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे काम करेंगे? मेरे गुरु जी योगेश मिश्रा जी, नरेंद्र मीणा जी, टीकाराम जी, इनके सहयोग से अच्छा काम करूंगा। जितेंद्र सिंह जी का नाम ही नहीं लिया आपने? वो तो हमारा आले कमान है साहब, उनके आशीर्वाद से थे वो बना। अभी बहुत सारे कामकाज बाकी हैं, पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं, सभापति जेल जा चुकी है, जेल जा चुकी सभापति, कुर्सी आपने ली है, चुनौती है कुछ या नहीं? चुनौतियाँ है सर, काम करेंगे सर। इस तरह से मैं सभी के सहयोग से, मेरे भाइयों पार्षदों के सभी के सहयोग से, नरेंद्र मीणा जी से, योगेश मिश्रा जी से, इनके सहयोग से निपट लेंगे सर और बढ़िया काम करेंगे सर। क्या प्राथमिकता है? शहर के विकास, शहर की सफाई व्यवस्था। शहर की सफाई को लेकर बार बार आवाजें उठती रही हैं और पार्षदों का भी आरोप लगता रहा है। मैं वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मुझको शहर की सफाई व्यवस्था के लिए पूरी जानकारी है, शहर में जल्दी विकास होगा सफाई के मामले में। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड संस की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ, इसके लिए मैं अभिषेक कनीजा जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4,000 परिवारों को जो इनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हैं, इनका व्यापार खूब बढ़े। अमरीका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में, आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद,
जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले भर के बैंक कर्मचारियों ने 16 व 17 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि सरकार बैंकों के मूल कानूनों में बदलाव करके बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, इससे आम ग्राहकों के साथ बैंक कर्मियों को भी खासा नुकसान पहुंचेगा। सरकार के अपना फैसला वापस नहीं लेने पर देशव्यापी बैंक कर्मी हड़ताल करेंगे। बैंक कर्मियों ने सरकार की इस बदलाव की नीति को देश विरोधी नीति कहा है। हमारे ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियंस के आह्वान पर 16 और 17 तारीख की देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें कल भी बड़ी संख्या में हमने हड़ताल में पार्टिसिपेट करा और डेमोंस्ट्रेशन करा, उसी कंटिन्यूएशन में आज भी ये हुआ है। हमारा प्रमुख जो मुद्दा है हड़ताल के पीछे, जो कारण है, वो सरकार की बैंक विरोधी नीतियाँ, सरकारी बैंक विरोधी नीतियाँ जो गवर्नमेंट अपना रही है। ये नया बिल लेके जो आ रही है, जिसमें कि वो जो बेसिक कानून है बैंकिंग के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग कंपनी एक्ट, जिनके अनुसार ये सारे बैंक गवर्न होते हैं, उनको उसमें अमेंडमेंट करके ये इनका प्राइवेटाइजेशन का रास्ता बहुत ही आसान करना चाहती है, सुगम करना चाहती है, जिससे न केवल बैंकों को हानि होगी बल्कि हमारे निम्नतम तबके के जो कस्टमर्स हैं, किसान हैं, हर तरीके का जहाँ पे हमारी बैंकिंग सेवाएं पहुँचती हैं, उन सभी को इससे भारी नुकसान है। और चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का कंट्रोल देने की ये इनकी साजिश है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो UAW के आह्वान पर आने वाले समय में इंडेफिनेट स्ट्राइक का भी कॉल किया जाएगा। अलवर के MIA में अशोका लीलैंड फैक्ट्री के सामने बैठे मजदूर से मिलने राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे और कहा कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर हजारों की संख्या में लोग मजदूरों के समर्थन में आगे आएंगे। समय रहते प्रशासन को मजदूरों की समस्या का समाधान कर देना चाहिए। MIA में किसी फैक्ट्री गेट पर औद्योगिक क्षेत्र में आया हूं, पहले तो मेरा एक छत्र राज था यहां और 80 यूनियंस थी छोटी बड़ी उद्योगों में, परंतु आज मैं आया हूं अशोका लीलैंड के गेट पर। गेट पर निकली है, ताज्जुब यह है कि मैनेजमेंट का इतना बड़ा अत्याचार अन्याय है। 240 दिन में परमानेंट होना चाहिए और ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, परंतु यहां पर 15 साल से लोग टेम्परेरी हैं, ठेकेदारों अंतर्गत काम कर रहे हैं। तनख्वाह का उनको सिर्फ 2/3 पैसा मिलता है। ये SI करती है मेडिकल सुविधा, लेकिन कार्ड नहीं बना हुआ। PFS करता है भविष्य निधि स्कीम, कार्ड नहीं बनता। मैं खुद ESI में भविष्य निधि स्कीम में डायरेक्टर रहा हूं, डायरेक्टर गंगानगर शुगर मिल पर का भी रहा हूं। ILO तक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तक मेरा नाम गया। 5 देशों का नरसिंह राव जी ने पासपोर्ट बनाया था। उस प्रसिद्धि के बाद मुझे राजनीति में लिया गया, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। तो मेवात में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उस कारण मुझे मजदूर क्षेत्र छुड़वा के राजनीति में भेजा गया। तब से लेकर मैं फैक्ट्री गेटों पर नहीं गया,
और हमको ये पावन दिया है भारतीय मधु संघ नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए भारतीय मधु संघ के कई पदों पर मैं था, कई दायित्व पर था, इस्तीफा देना पड़ा। परंतु अशोक लेलैंड के मजदूरों ने पिछले एक हफ्ते से विश्व से तीन चार दिन से बहुत आग्रह किया, बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैं आज आया हूं। या तो मैनेजमेंट अशोक लेलैंड को परमानेंट करे और नहीं तो मैं वापस 24 तारीख को गेट पर आऊंगा, फिर मीटिंग लूंगा। तो भयंकर 10-20,000-50,000 लोगों का घेराबंदी होगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, सरकार और मैनेजमेंट अशोक लेलैंड की होगी। वर्ल्ड प्रसिद्ध अशोक लेलैंड, परंतु शर्म नहीं आती इनको कि अपने मजदूरों को बिल्कुल पीड़ित करके, दुखी करके, शोषित करके रखते हैं। इसके खिलाफ भारी संघर्ष होगा और मैं इस संघर्ष में अगवा रहूंगा। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी ने वसुंधरा राजे के अलवर आगमन की तैयारियों को लेकर मोती डोंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय में हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व अलवर ग्रामीण विधायक जयराम जाटव सहित बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय वसुंधरा जी आ रही है, किस तरह का प्रोग्राम है आप आज? देखिए, जितना भी हमारे भारतीय जनसंघ के टाइम के हमारे लीडर्स हैं, बीजेपी के लीडर्स, उनकी मृत्यु हुई, उनका स्वर्गवास हुआ, उनके घर बैठते हैं हमारे जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी, उनकी भी धर्मपत्नी कोरोना काल में उनकी भी स्वर्गवास हुआ, उनके भी जाएंगे। तो जो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उनके परिवार में, उनके मित्रों के, पिताजी के शोक, क्योंकि कोरोना टाइम पे नहीं जा पाए। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी उनके घर शोक व्यक्त करते हैं। कितनी देर रुकने का प्रोग्राम है अलवर प्रवास? रुकने का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, बस खाली इनके घरों पे जाकर मैं शोक संवेदना प्रकट करूंगी और उसके बाद मुख्य विद्वान हो जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल था, कल धौलपुर में जनाकुश रैली हुई और बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र राठौर जी थे, वहाँ उनका चित्र नहीं था, कि क्या कहेंगे इस बारे में, ये राजनीति कहाँ जा रही है? लगना नहीं लगना बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, वो तो दिलों पे राज करने वाली है। दो बार मुख्यमंत्री रही है, आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष रही हैं, पांच बार की सांसद रही हैं, छह बार की विधायक रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, राज्य केंद्रीय मंत्री रही हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। नवीन कार्यकारिणी में चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल, अध्यक्ष कलेक्टर नन्नूवल पहाड़ी और उपाध्यक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओपी मीना को मनोनीत किया है। इसके अलावा डॉक्टर एससी मित्तल ने अन्य पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया है। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा की अभी नई कार्यकारिणी बनी है, जिला कलेक्टर महोदय उसके अध्यक्ष हैं और सीएमएच अलवर उपाध्यक्ष हैं, मुझे चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हमारे डॉक्टर रूप सिंह जी सेक्रेटरी हैं और बाबू झालानी जी कोषाध्यक्ष हैं, कुलदीप आर्य जी संयुक्त सचिव हैं। अभी हमने चेयरमैन नियुक्त किए हैं, जिसमें गिरीश गुप्ता जी को हमने सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का चेयरमैन बनाया है। इसके मुख्य जो काम है वो सामाजिक सरोकार हैं, ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देना है। फैक्ट्री में हर कम से कम 20% लोगों को, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज हैं, उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आनी चाहिए, बल्कि हर एक तरह से युवा को भी ट्रेनिंग आनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनको ही ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग रेडक्रॉस के माध्यम से दी जाती है और ये अब चालू हो गई है, 25 का बैच हमने शुरू कर दिया है, भिवाड़ी में 25 का बैच, तो 50 हम लोगों को ट्रेनिंग अब दे चुके हैं इस नई कार्यकारिणी के माध्यम से। हमारे डॉक्टर कुमुद गुप्ता हैं, डॉक्टर मयंक हैं, वो 25-25 के बैच में 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, 5वें दिन उनका टेस्ट होता है। बड़ी तन्मयता से लोग इसमें अटेंड कर रहे हैं और अभी 500 आदमी का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है। मुझे लगता है संख्या बहुत अधिक बढ़ने वाली है और हम साल भर तक इस ट्रेनिंग को, प्रोग्राम को चालू करेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे हम, हेल्थ कैंप्स लगाएंगे, बहुत सारे हम काम रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक मेंबरशिप हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो हमारे कॉरपोरेट मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं, बहुत कम फीस है इसकी, 1,000 रुपये लाइफ मेंबर की फीस है और 25,000 रुपये कॉरपोरेट मेंबर की फीस है। तो मैं अधिक से अधिक महिलाओं को, युवाओं को, सब नागरिकों को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। 1,000 की संख्या में हम चाहते हैं कम से कम मेंबर रेड क्रॉस के बने अलवर में, तो एक अवेयरनेस बनेगी लोगों में और एक सामाजिक जो काम करने का जो है ना वो जज्बा बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो नया वर्ष आने वाला है
उसमें अच्छे से रेड क्रॉस मेंबरशिप को बढ़ाएं और अधिक से अधिक सेवा का काम करें। इटाराना पुलिया के पास हाल ही नमकीन फैक्ट्री में लगी आग के बाद अलवर न्यूज के रिपोर्टर मनोज कुमार वर्मा ने फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी को लेकर किए गए उपायों को लेकर जहां इटाराना क्षेत्र की फैक्ट्रियों को खंगाला, वहीं संबंधित अधिकारियों से बात की। नगर परिषद अग्निशमन के सहायक अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार मीणा ने रिपोर्टर मनोज कुमार वर्मा को बताया कि जिस नमकीन कंपनी में भीषण आग लगी थी उसमें उस समय फायर एनओसी ली गई थी, जब 2.5 साल पहले नमकीन की छोटे स्तर पर ओपनिंग की गई थी। मीणा ने यह भी बताया कि इटाराना औद्योगिक क्षेत्र में रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 60 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन सिर्फ 5 उद्योगों के पास ही फायर एनओसी है, जबकि अन्य उद्योग बिना फायर एनओसी के ही चल रहे हैं। रिपोर्टर मनोज वर्मा के सवाल के जवाब में सहायक अग्निशमन अधिकारी मीणा ने कहा कि अभी उन उद्योगों को नोटिस नहीं दिए गए हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाले कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, मॉल और शॉपिंग मॉल प्रबंधन वर्ग को 2019-20 में नोटिस देकर फायर इक्विपमेंट लगाने के आदेश दिए गए थे। नमकीन फैक्ट्री में आग लगी थी, उनके पास एक फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2.5 साल पहले ये ओपनिंग करी थी इसके इंडस्ट्री का, जब छोटा वो था उनका प्लांट, और उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई के लिए आवेदन करा था, उसमें फायर एक्टिवेटर लगवा के हमने एनओसी इनको जारी की थी। अच्छा सर, इसमें जो पुराना औद्योगिक क्षेत्र है जो इटाराना में, इसमें कितनी कंपनियां संचालित हैं? पुराना इटाराना जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें रिकॉर्ड के हिसाब से 50 से लेकर 60 इंडस्ट्रीज संचालित हैं, जिनमें छोटी बड़ी मिला के सारी 50 से 60 संचालित हैं। इसमें उनमें से 5 या 6 ने फायर इक्विपमेंट लगवा के, फायर इंस्टॉलेशन करवा के और नगर परिषद से एनओसी दे रखी है। अच्छा सर, इसमें कितनी कंपनियों के पास एनओसी है और कितने के पास नहीं है? हाँ, मैंने अभी बताया आपको, जो 50 से 60 इंडस्ट्रीज इसमें संचालित हैं उसमें से 5 से लेकर 6 के पास फायर एनओसी है, औरों के पास फायर एनओसी नहीं है। अच्छा सर, इसमें डिपार्टमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रहा है जिनके पास एनओसी नहीं है? देखो, डिपार्टमेंट ध्यान दे रहा है, डिपार्टमेंट ने नोटिस भी जारी करे हैं अपने, अभी इंडस्ट्री एरिया में तो नोटिस जारी नहीं हुए हैं हमारी तरफ से, मगर नगर परिषद क्षेत्र में हमने जो कोचिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, उनको एनओसी के रिगार्डिंग और फायर इक्विपमेंट लगवाने के रिगार्डिंग नोटिस जारी करे थे 2019-20 में जारी करे थे। आज की ताजा खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।